सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आप सबको एक बार फिर से स्वागत है फैक्ट सबके एक और रैंडम फन फैक्ट सीरीज में। इस सीरीज में आप जानेंगे कुछ ऐसे फन फैक्ट जिससे फील करेंगे आप वाओ और वंडरफुल भी। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को अंत तक ताकि आप कोई भी फैक्ट मिस ना कर सको। अगर आपने अभी तक नहीं किया है हमारे चैनल फैक्ट सब को सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फैक्ट सब को ताकि आप कोई भी फैक्ट की वीडियो मिस ना कर सको। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको बताया कि आज कौन सा दिन है? आज तो 17 जुलाई है ना भाई साहब। नहीं, आज तो फ्राइडे है ना भाई साहब। पर नहीं दोस्त, आज है हैप्पी वर्ल्ड इमोजी डे। हाँ, वही इमोजी की बात कर रहा हूँ जो आप हर रोज यूज करते हो, और मैं आप सबको बोलना चाहूँगा हैप्पी वर्ल्ड इमोजी डे। तो आप सभी कमेंट कीजिए नीचे हैप्पी वर्ल्ड इमोजी डे। सो थैंक यू वेरी मच, कमेंट कीजिए नीचे। मजाक कर रहा हूँ भाई, अभी वीडियो बाकी है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको बताया कि स्मेल जो अंतरिक्ष है वो कैसे स्मेल करती है, मतलब उसका गंध कैसा आता है? तो एक रिसर्च के अनुसार पता चली थी कि एस्ट्रोनॉट ने कहा था कि जो स्पेस का स्मेल है वो जैसे कोई गैस बर्न करती है, कोई केमिकल जो बर्न हो जाती है वो केमिकल की जैसी स्मेल आती है। कोई कोई बहुत ही बुरा गैस हो वैसा ही स्मेल आती है कभी कभी, ऐसा भी एस्ट्रोनॉट ने कहा था। जी, इससे तो आप स्पेस में जाना ही नहीं चाहोगे, है ना? पर नहीं, स्पेस में हमें जाना होगा दोस्त। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको बताया कि मोस्ट कॉमन लेटर कौन है जो इंग्लिश अल्फाबेट में आप हर रोज यूज करते हो, मोस्ट कॉमन लेटर कौन है? तो वो है ई, ए ई आई ओ यू में जो ई आता है वो ई, वो ई ही सबसे मोस्ट कॉमन वर्ड है, और वो इंग्लिश वर्ड के सबसे पहले ही यूज होता है। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको बताया कि जो दुनिया की सबसे स्वस्थ जगह यानी हेल्दीएस्ट प्लेस कौन सी है? तो रिसर्च के अनुसार पता चली थी कि सबसे ज्यादा हेल्दीएस्ट प्लेस है पानामा। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको बताया कि जो पानी होता है, पानी वो अपने टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग साउंड निकालती है। पावरिंग साउंड जो नीचे गिरते वक्त साउंड आती है वो, जैसे कि आप बोतल से पानी गिलास में रखते हो तो उसकी साउंड अलग आती है अगर वो गर्म होगा, अगर वो ठंडा होगा तो अलग साउंड आएगी। वाओ, क्या आपको पता था ये फैक्ट? नहीं पता था तो कमेंट कीजिए, पता था तब भी कमेंट कीजिए, हमें अच्छा लगता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको बताया कि आपके जो डॉग हैं, आपके डॉग हैं वो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश जानते हैं? एक रिसर्च के अनुसार पता चली थी कि डॉग सम इंग्लिश जानते हैं कुछ इंग्लिश डॉग्स भी जानते हैं, ऐसा रिसर्च के अनुसार पता चला था। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको बताया कि चिंपांजी और गोरिल्ला के अलावा इंसानों के जैसे फिंगरप्रिंट एक और जानवर के पास होती हैं, और वो जानवर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका नाम है कोआला। क्या आपको पता था ये फैक्ट? फैक्ट नंबर 3, क्या आपको बताया कि डायनासोर जो थे वो हर कंटिनेंट में रहा करते थे, चाहे वो अंटार्कटिका हो, चाहे वो अभी एशियाई हो, या चाहे अमेरिका हो, हर कंटिनेंट में वो रहा करते थे। फैक्ट नंबर टू, क्या आपको बताया कि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव यानी कि सबसे महंगा कॉइन कौन सा है? तो दुनिया का सबसे कीमती कॉइन का नाम है फर्स्ट एवर हेयर सिल्वर डॉलर, जिसकी कीमत है 10 मिलियन US डॉलर, और इसको अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट की जाए तो लगभग 75 करोड़ से भी ज्यादा कीमत होगी इसकी। ओ माय गॉड। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको बताया कि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव पेट कौन सा है? जैसे कि आपका पेट डॉग है वैसे ही मोस्ट एक्सपेंसिव पेट कौन सा है? अब एक रिपोर्ट के अनुसार पता चली थी कि मोस्ट एक्सपेंसिव पेट में बहुत सारे लिस्ट में आते हैं, पर सबसे ऊपर लिस्ट में आता है ग्रीन मंकी। वो असल में मंकी नहीं है, एक रेस का घोड़ा है जिसे बेचा गया था 16 मिलियन US डॉलर में, जिसको अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट की जाए तो 102 करोड़ रुपए में उसे बेचा गया था। ओ माय गॉड। क्या आप खरीदना चाहेंगे ऐसे घोड़े को? अगर आप चाहेंगे तो कमेंट कीजिए, क्योंकि चाहने से क्या होता है, कमेंट करने से क्या जाता है। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल के हर वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। There's a distance between us.
It's getting hard to reach out.